हाय दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube के चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ औरंगजेब के बारे में, मुगल काल का औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में ये थोड़ा सा नॉलेज है दोस्तों। औरंगजेब की जन्म कब होता है? तो 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर कब होता है दोस्तों? 1680 को हुआ, 1680 सॉरी 18 दोस्तों, 1618 में जन्म होता है किसका? औरंगजेब का। ओके, इसी के समय पुरंदर की संधि भी होती है। पुरंदर की संधि मराठा और मुगल के बीच में होती है, वो बाद में बताऊंगा दोस्तों। तब तक आप इसको 14 अक्टूबर 1618 में, जब पुरंदर के युद्ध के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में उस समय आप ध्यान रखिएगा कि बताना था। ओके, सो 14 अक्टूबर 1618 को जन्म होता है और ये लगातार युद्ध लड़ता है। ये जो है लगातार युद्ध लड़ता है, इसी कारण से ज्यादा इमारतें नहीं बनाता ये, ओके। मतलब ये अपने समय में लगातार युद्ध लड़ते रहता है। अकबर के समय में जहाँ पर 15 प्रोविनेंस थे, ठीक है, तो इसके समय में कितना प्रोविनेंस हो गए थे? 21 मुगल समाज का, ठीक है। मुगल साम्राज्य का कितना क्षेत्र हो गया था? 21 हो गया था। ओके, ये लगातार युद्ध लड़ता रहा। इसे दो देखो, इसका एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब औरंगजेब का दो बार राज्य भी अभिषेक हुआ था, देखिए दो बार राज्य अभिषेक होता है, दो बार शासन करना है, दोनों में अंतर होता है। दो बार राज्य अभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। ओके, ये कब हुआ था? पहला जो यानी पहला जो राज्य अभिषेक हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो 13 जुलाई को, 13 जुलाई 1658 को। कब हुआ था? 1658, 13 जुलाई 1658 को हुआ था पहला बार। सेकेंड बार राज्य अभिषेक कब होता है? तो 1659 को होता है। ओके, ये 15 जून को होता है, दोनों गर्मी में ही होता है। ओके, 15 जून को होता है औरंगजेब का, और ये लगातार युद्ध लड़ता है। पहला बार राज्याभिषेक 1658 में, अब दूसरा बार कब होता है राज्याभिषेक? 1659 में। ये तो हो गया राज्याभिषेक होता है। शासन कौन करता है? दो बार शासन हुमायूं करता है। दो बार शासन कौन करता है? हुमायूं करता है, लेकिन राज्याभिषेक दो बार किसका होता है? तो सिर्फ औरंगजेब का, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि एक बार युद्ध तो हरा देता है शेरशाह। ओके, कौन से युद्ध में? सरहिंदी के युद्ध में, सो 1540 में जो होता है युद्ध। ओके, फिर उसके बाद भगा देता है, फिर वो आता है दोबारा जब अफगानी मतलब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तब तो फिर वो अटैक करता है और अपने साम्राज्य को मतलब भारत पर फिर से राज करता है। ओके, तो इस प्रकार दो बार शासन हुआ और राज्याभिषेक दो बार औरंगजेब का हुआ। तो ये बार वो आलमगीर की उपाधि से भी इसका नाम दिया गया था। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता होता है। और ये उपाधि उसके शाही जनता ने दिया था। उसका उपाधि किसने दिया था? तो शाही जनता ने दिया था। ओके, आलमगीर की उपाधि किसे दिया गया था? तो बोलिएगा, अगर सवाल पूछता है कि आलमगीर की उपाधि किसे दिया गया, तो शाही बता दीजिएगा कि औरंगजेब को कहा गया था। दो बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब को, तो दो बार शासन किया हुमायूं ने,
ठीक है, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, मतलब जो शाही जनता इसका नाम दिया था। ओके, इस प्रकार फिर दिल्ली में ये क्या करता है, मोती मस्जिद का निर्माण करता है, मोती मस्जिद का दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला कह सकते हैं, दिल्ली में करता है। ओके, और आगरा में मोती मस्जिद को निर्माण करता है, तो शाहजहां करता है। सो ये हो गया, और ये से संबंधित है क्वेश्चन, शाहजहां हो गया। इसके समय में ओके, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर थे, इसी के समय में क्या थे, गुरु तेग बहादुर रिस्पॉन्सिबल, इनका मृत्यु का कारण कौन था, तो औरंगजेब ही था। ओके, मृत्यु का कारण कौन था, तो हत्या कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा। ओके, और ये औरंगजेब तो हो गया, शाहजहां के समय में कौन था दोस्तों, शाहजहां नहीं, जहांगीर, जहांगीर के समय में, या समकालिक कह सकते हैं, समकालीन या समकालिक गुरु, अर्जुन देव थे। ये जहांगीर के समकालिक थे, गुरु अर्जुन देव को जो इसका भी हत्या जहांगीर करवा देता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी का इसका मृत्यु करवा, मतलब हत्या करवा देता है। ओके, इस प्रकार जो आपका औरंगजेब से संबंधित है, और भी है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट करके लीजिए। ओके।